भाई मेरे श्याम लगो संत। इसलिए संत के जितने लक्षण हैं, भगवान कहते उद्धव जी उनमें सबसे पहला लक्षण है तितिक्षु। क्या? तितिक्षु माने सहनशील। भगवत सिंह जी कहते हैं सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी सत्य वचन सबको सुखदायक गई अनन्य व्रत एकी। इतने गुण जामे सो संत। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्मा स्वजन बांधवा मदाश्रया कथा मृष्टा श्रृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसः। ये संतों के लक्षण, उनमें सबसे पहला लक्षण है तितिक्षवः क्षितिवत सहनशीला। जैसे धरती सब कुछ सहन कर लेती है, ऐसे ही संत सब कुछ सह लेते हैं। ठंडी गर्मी बरसात तो सही लेते हैं, भूख प्यास तो सही लेते हैं, भयंकर से भयंकर अपमान भी सह लेते हैं, सम्मान भी सह लेते हैं। सम्मान भी सम्मान सबको नहीं पचता बाबा, सम्मान सबको नहीं पचता। जो सम्मान पचा सकता है वही अपमान भी पचा सकता है, जो सम्मान नहीं पचा सकता वो अपमान भी नहीं पचा सकता। सम्मान का पचाना अपमान से पचाना कठिन है। सम्मान का पचाना क्या है? सम्मानित होने पर अपने मन में ये अहंकार ना आवे कि मैं सम्मान के योग्य हूं इसलिए मेरा सम्मान हो रहा है। अब हम अपने मन में मिथ्या भ्रम पाल लें कि मैं सम्मान के योग्य हूं इसलिए मेरा सम्मान हो रहा है, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि जब तुम सम्मान के योग्य ही थे तो जहां पैदा हुए थे वहां आरती पूजा क्यों नहीं हुई तुम्हारी? वहां तो जैसे सामान्य गांव के बच्चे घूमते थे ऐसे घूमते थे, पिटते पिटाते भी थे, वहां तो पूजा भई नहीं। फिर ये मलमूत्र का बर्तन है, इसमें पूजा की योग्य क्या चीज है? ऊपर से नीचे तक हर छिद्र से गंदगी निकल रही है, पूजा की योग्य क्या? स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे ये गंदगी पैदा करने की फैक्ट्री है, बढ़िया से बढ़िया प्रसाद खाओ वो भी मल बन के बाहर निकलता है, और चरणामृत पी जाओ चाहे गंगाजल पी जाओ वो भी मूत्र बन के निकल जाता है। अच्छी चीज भी गंदगी बन के निकलती है इसके शरीर के शरीर से बाहर, गंदगी पैदा करने की पहले क्या है पूज्य? इसमें क्या उत्तमांग और क्या अधमांग, सब में से गंदगी निकल रही है। यदि सम्मान है तो किसका है? सदगुरु भगवान ने कृपा करके मस्तक पर तिलक विराजमान कर दिया, गले में तुलसी विराजमान कर दी, संत का बाना प्रदान कर दिया, पेट भरने के लिए ही सही ठाकुर जी का नाम लेते हैं, ठाकुर जी की चर्चा करते हैं, इस नाते से सम्मान हो रहा है, तो ईमानदारी से सम्मान किसका हुआ? गुरु महाराज का सम्मान हुआ, ठाकुर जी के वेश का सम्मान हुआ, ठाकुर जी का नाम लेते उनकी चर्चा करते उनका सम्मान हुआ,
हमारा क्या सम्मान हुआ। आपको समाज में लोग सम्मानित करते होंगे, जरूर करते होंगे, आप सामाजिक कार्य करते हैं तो समाज में लोग सम्मानित करते होंगे। आप अकेले वैश्य हैं समाज में क्या, पूरी धरती पर अकेले तो नहीं, सबका सम्मान क्यों नहीं होता, आपका क्यों होता है, उत्तर दो। इसलिए होता है क्योंकि आप उदारता पूर्वक सामाजिक कार्य करते हैं। चलो ठीक है, ये उदारता पूर्वक सामाजिक कार्य करने की, सेवा करने की प्रेरणा आपको किसकी कृपा से मिली? आपके पिता माता के संस्कार आपके पास न होते, आपके गुरु महाराज के द्वारा दिए हुए संस्कार आपके पास न होते तो दुनिया में एक से एक अमीर पड़े हैं, सेवा में फूटी कौड़ी खर्च नहीं हो रही है। तो ये सम्मान हुआ तो किसका हुआ? ये पिता माता के द्वारा दिए हुए संस्कारों का सम्मान हुआ, आपका सम्मान नहीं है। यदि धन दिया तो धन भी ठाकुर जी ने दिया, ये सम्मान किसका हुआ? ठाकुर जी का सम्मान हुआ। माता पिता का सम्मान, गुरुदेव का सम्मान, ठाकुर जी का सम्मान, हम भैया कोई सम्मान के योग्य नहीं है। ये भाव भीतर से आ जाए तो समझ लेना सम्मान पच गया। और ये भाव मन में आ जाए कि अरे मैं तो बहुत सम्मान के योग्य हूँ, बस वहीं से उल्टी गिनती शुरू। हाँ, वहीं से उल्टी गिनती शुरू। फिर अपमान ना होने पर भी अपमान की अनुभूति होने लग जाएगी। आप अपने आप को मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ, सम्मान के योग्य व्यक्ति हूँ, इस विचारधारा को आप छोड़ दीजिए तो पूरे संसार में आपका अपमान करने वाला कोई पैदा नहीं। क्यों? क्योंकि अपमान की अनुभूति ही उसे होती है जिसे सम्मान की चाह होती है।